यही महीने में 25 तारीख रात में 26 तारीख को सुबह सुबह 3 बजे को अच्छीरेड्डी नगर में रहने वाला और पलकनामा राउडी शीटर शेख फिरोज हुसैन और उनके साथ में जाफर हुसैन दोनों मिलकर मोटरसाइकिल में तेगलाकुंटा होते हुए शेख की मस्जिद तरफ जा रहे थे। रास्ता में इम्तियाज और वाहिद अली एजाज और मोहम्मद अली खान, मोहम्मद अफरोज, शेख कुर्बान, ये 6 जने फुटपाथ पर बैठकर बीयर पी रहे थे और रोड के आड़ में ठहर के मंतकाने मारते हुए बातचीत कर रहे थे। वो लोग देखकर ये फिरोज हुसैन वो लोग डांट दिया, 3 बजे रात को इधर क्या कर रहे हैं, रोड पर ठहर कर बीयर पे कई को पी रहे हैं बोल के वो लोग डांट दिए, डांट के आगे निकल गया। मगर ये 6 जने उन्हें जो डांटने से ये लोग गुस्सा आकर ये लोग उनका पीछे जाकर शेख की मस्जिद करने आमने सामने हुआ। जब वो लोग से बातचीत करते हुए वो लोग गुस्सा ने उनके ऊपर गुस्सा निकालते हुए ये लोग उसके ऊपर हमला करे और इसमें वो फिरोज हुसैन को बीयर बॉटल से हमला करे, सर पर मारे और सीने पे और पेट पर उसको गुस्सा दिए। गुस्साने से उसको ज़्यादा ब्लीडिंग होते हुए हॉस्पिटल में रास्ता में उन्होंने मर चुके हैं। इस दरमियान में ये जाफर हुसैन का कंप्लेंट देने से हमारा पास पलकनामा पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्ट्रेशन हो गया। इसमें एसीपी एमए बारी और इंस्पेक्टर यादगिरी और मुरली कृष्णा इसको पर इन्वेस्टिगेशन कर ये 6 जनों को आज से सुबह सुबह वो लोगों को 6 जनों को गिरफ्तार करके वो लोगों का बयान लिखकर वो बीयर बॉटल्स भी सीज करे और ये लोगों को आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं।